अच्छा है क्या बात, मैं पिछले दिनों से पता नहीं कौन सी शायद भूल लग गई क्या हो गया, मैं खाना नहीं खा पाया और रोटियां तो बिल्कुल देखते जैसा लगता है कि उल्टी पड़ती है, कमजोरी भी है सब कुछ, लेकिन तब भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाए और उसको मैंने पब्लिश भी किया। मैं अपने D90 कैमरे से निकाल कर D90 कैमरे से वीडियो बना और लैपटॉप पे उसको अपलोड करके मैं आप लोगों को दिखा रहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी मेहनत को आप लोगों ने जरा से भी नहीं समझा। मेरे व्यूज़ कम होते 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 लेटेस्ट जो तुमने वीडियो डाला है 25। ये कोई बात है कि मैं इतने मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप लोग का एंटरटेन कर रहा हूँ और लेकिन आप लोगों ने उसका कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। अरे कुछ व्यूज़ बढ़ जाते, लाइक बढ़ जाता, कमेंट्स लिख जाता तो मेरा मतलब मोटिवेशन हो जाता और मैं आगे भी काम आता। ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ हो सकता आप लोगों को पसंद आए, हो सकता ना आए। देखिए प्राचीन काल से अप्सराएं जो थी भूमंडल में थी अत्यंत सुंदर कमनीय और वो जो है हम लोग के भूमंडल में थी, बहुत विदुषी महिलाएं थी। फिर इंद्र ने उनको अपने राज में बुला लिया, वो इंद्र के दरबार में पहुंच गई। वो सिर्फ नर्तकी नहीं थी, इंद्र भगवान को जो है ऐसे ऐसे भेद ऐसे ऐसे वो बताती थी कि वो उनके मुरीद हो गए। उसमें से आज जो मैं वीडियो रंभा अप्सरा के बारे में बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत को देखते हुए आप उसे पसंद करेंगे। कुछ साल पहले की बात है, मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बीहड़ इलाके में घूम रहा था, गंगा का कछार था। मुझको जो है रंभा अप्सरा की साधना करनी थी और मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। एक झोले में ताजे गुलाब के फूल की माला, इत्र और गुगुल लोवान की स्टिक जलाने के लिए और देसी घी का दीपक, मतलब देसी घी अलग से रखा था, दीपक बना के बाती बना के अलग से रखा था और सफ़ेद वस्त्र पहने था। एक आसन था रुद्राक्ष की मेली अपनी माला। धीरे 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 उस बीहड़ इलाके का पहले पूरा मैंने वो किया, गंगा का कछार, दूर दूर तक गंगा नदी, ढूंढते 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 शाम हो गई। एक मैंने चरवाहे से पूछा कि भैया यहाँ पर शमशान घाट कहाँ है, तो उसने हाथ के सहारे से कहा उई तरफ है। अब उई तरफ, तो मैंने पूछा कि उस दूरी तो होगी कब, मालूम नहीं, आप खुद ही चले जाओ मालूम कर लो। हमने कहा ठीक है बाबा ठीक है। रात का अंधेरा, गंगा नदी में ऐसा लग रहा था कि बहुत उथल पुथल हो रही है, जैसे कोई नहा रहा हो, अजीब तरह की आवाज़ें, कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें, हर तरह का। अब मैं जो हूँ, मैंने कहा जाना तो ही है। अंधेरा होने लगा और मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ शमशान घाट की ओर चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद शमशान घाट आ गया। शमशान घाट की स्थिति बहुत ही भयानक थी क्योंकि कोरोना में तो खैर ये शमशान घाट बहुत ही जागरूक हो गया था,
हमेशा लाशों से पटा रहता था, उनकी अंत्येष्टि होती थी, लेकिन इस समय एक या दो लाशें जल रही थी। शायद उनके घर वाले उनको रोता बिखलता छोड़ के और चले गए। सबके साथ ऐसे ही होता है। जब तक आपके साथ रहेंगे तो आपको खूब मान मर्यादा देंगे, और जहाँ आपने अंतिम सांस ली आपको उठा के जमीन पर लिटा देंगे, फिर इतनी जल्दी कि फटाफट फटाफट करके आपको जो है उस पर लाद के, बांस की टिकटी पर लाद के, कफन ओढ़ा के आपको शमशान घाट ले जाके, वो आपको बिना पंडित बिना किसी उसके कर्मकांड के आपको डायरेक्ट वहाँ। अब यही अच्छा रहता है कि गंगा नदी किनारा था शमशान घाट, तो गंगा नदी में नहला के और डायरेक्ट लकड़ियों के ऊपर रख देते थे। जहाँ लकड़ियाँ नहीं होती थी तो वहाँ जो है कंडा लगा के उसको ऊपर रख दिया था। और घर का यदि कोई बड़ा लड़का या कोई उसका छोटा भाई मृतक का, तो वो दाह संस्कार के लिए आता था, मुखाग्नि देता था, और थोड़ी देर में लप लप करती हुई चिताओं की आग जलने लगती, और वो बेचारा बस गया काम से। धीरे धीरे उसके बॉडी के पार्ट जलने लगे, फुस्स से आवाज़ होती, शायद कोई अंदर का कोई अंग फटा हो। और यदि वो मोटा ताज़ा हुआ तो फैट भी जलता था, और जब फैट जलता था तो बहुत जोर से चिरहत होती थी और चिता में से बहुत भयंकर लपटे होते थे। मैंने पूरा मुआयना किया, फिर इस एक बरगद के नीचे मैंने सोचा कि यही साधना करूँगा। मुझको जो है करीब 31 दिन तक आना है, यानी मैं घर द्वार से दूर 31 दिनों तक उस बीहड़ शमशान घाट में रहना पड़ेगा। फिर जो शुरू हुआ मेरा, मैंने सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना की, विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की, मशान देवता की आराधना की, महाकाल भैरव की आराधना की, और सबसे बड़ी चीज़ यक्षराज कुबेर, उनका पूजन मैंने किया और मैं तैयार हो गया। मैंने घड़ी में समय देखा तो 9:20 हुए थे। चारों तरफ खूब अंधेरा, जलती चिताओं में बदबू आ रही थी भयंकर, चारों तरफ कुत्ते इधर से उधर, शायद जो भी चिता में से जलता हुआ कोई अंग फट के बाहर गिरता, कुत्ते लपकते उसको वॉलीबॉल प्लेयर की तरह, और उसका भोजन करना शुरू करते। उनकी कचारे 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 चबाने की हड्डी की आवाज़, ये सब विचलित करने वाली बात होती है। अति भयंकर समा। अब मैंने पूजन प्रारंभ किया, श्री गणपति भगवान को ध्यान किया, भगवान भोलेनाथ जी को ध्यान किया, मशान देवता को ध्यान किया, महाकाल भैरव को ध्यान किया, यक्ष कुबेर को ध्यान किया, और मैं मंत्र जो कि मैं बता रहा हूँ गलत ना हो जाए सो मैंने लिख लिया पहले से ही, ओम रंग छंग रंभे आगच आगच छंग रंग ओम नमः, समझे ना, ये मंत्र होता है रंभा अप्सरा का। ओम रंग छंग रंभे आगच आगच छंग रंग ओम नमः, ओम रंग छंग रंभे आगच आगच छंग रंग ओम नमः, ये तो मंत्र हुआ। और गणपति जी का पूजन करने के लिए सबसे है ओम श्री गणपते नमः, समस्त विघ्नों को दूर करता है। ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय बाबा मशान देव मशान देवता, हंग संग लंग गंग खंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। अरे तो मैंने सब गई पूजन बता दिया आपको, माफ़ करना, सब नहीं बताना चाहिए था, कुछ यूट्यूबर थोड़ा सा छुपा लेते हैं, लेकिन क्या करूं, मैं वाचाल हूं ना, मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं हूं। और मैंने मंत्र मंत्र भी बता दिया किस तरह से पूजन स्टार्ट किया था। फिर
अब जो है मुझको सबसे पहले आह्वान करना था रंभा अप्सरा का, और आज जो करना था वो हमको लगातार 31 दिनों तक करना था। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यदि मैं काउंट के चक्कर में पड़ा कितनी माला की कितना नहीं, तो मेरा मन भटकेगा। बस अनवरत जाप करते रहो, रुद्राक्ष की माला को गले में रखो, और जो है सिर्फ आप पहले दिन का क्रिया करें, फिर 31वें दिन का क्रिया करें, और फिर हवन करिए, कन्या खिलाइए, आपका हो जाएगा। तो पहले आह्वान किया, आह्वान में मैंने मुझको अप्सरा यंत्र की बहुत ज़रूरत थी, रंभा अप्सरा यंत्र, लेकिन हमको कोई सचमुच का मिला नहीं। तो मैंने जो सोचा कि चलो नहीं मिला तो नहीं मिला, मैंने काल्पनिक रूप से रंभा अप्सरा का ध्यान किया। रंभा है, उर्वशी है, मेनका है, बहुत से, उनके बारे में आगे आपको बताऊंगा मंत्र सहित। और मैं जो हूँ बैठा आह्वान करने के बाद, चारों दिशाओं में सरसों को लेके मंत्र पढ़ते हुए फेंका, हाथ में जल लेके आसन के चारों तरफ फेंके फेंका, मतलब गोल गोल घुमा के डाला। और इससे मैं एक तरह से निश्चित हो गया कि बाहर की कोई भी शक्ति इस प्रवेश, इस घेरे के अंदर नहीं आएगी, मैं निर्विघ्न रूप से पूजा करूँगा। पहले दिन की पूजा बहुत ही सकुशल हो गई। रात के करीब 12 बज रहे थे, दूर कहीं खेतों में सियारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही अजीब सी मांसाहारी जानवरों के, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, लड़ते फिरते मांस खाते उनका, और कुत्ते तो पूछिए नहीं, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। तो मैंने जो है आह्वान करने के बाद, मंत्र उच्चारण करने के पहले माँ को भोग चढ़ाया, मिष्ठान लाया था, भोग चढ़ा दिया, और इत्र को अपने शरीर पर लगाया और माँ को अर्पित किया इत्र, और लोबान और गूगल की स्टिक जलाई, दीप, देसी घी का दीपक जलाया, और बिल्कुल शांत चित्र होके जो मंत्र बता चुका हूँ उसी को फिर मैं जाप करने लगा। ओम रंग छंग रंभे आगच आगच छंग रंग ओम नमः। कुकुल लोवान की खुशबू से शायद प्रेरणावश वहाँ पर बहुत ही भयंकर उत्पात शुरू हो गया भूत प्रेतों का। ऐसे भी देखिए कि कोई भी शक्ति आसानी से किसी के पास नहीं आती है, और बस, और यही फायदा होता है उन लोगों का कि वो ऐसे डरा दे, धमका दे, वो आसानी से जो साधक है भाग जाए अधूरा छोड़ के, और फिर बस में करने की सोचे भी ना कभी। और धीरे धीरे करके रात गहराती चली गई, मैं मंत्र जाप में बिल्कुल बिल्कुल वो हो गया। फिर अरे ये क्या हुआ, अरे चारों तरफ घोर घनघोर काली काली घटाएं गिर गई तेजी से, जो है वहाँ शमशान घाट में जैसे आंधी आ गई हो, गरम गरम राख और जलती हुई चिता की लौ पूरे वायुमंडल में लगी, और साथ ही साथ लग रहा था कि जैसे मुझको कोई भगा देना चाहता हो। और मेरे आसपास बहुत से लोगों का खड़े हो गए, क्योंकि मैंने जो है सुरक्षा घेरा बनाया था, अतः कोई पास तो नहीं आ पाया, लेकिन मेरी पूजा निर्विघ्न रूप से चलती रही। फिर जो है बहुत तेज़ी से आंधी चली, और मैंने दीपक को बहुत गहरे गड्ढा खोद के, करीब 1 हाथ गहरा खड्ढा खोद के उसके अंदर रखा था, उसके ऊपर दीपक को मैंने ढक दिया था, एक जो दीपक ढकने वाला होता है जिसमें छेद बने होते हैं कि वो बुझे ना। और मैं भोग वोग चढ़ा चुका, सिर्फ माँ का ध्यान। मैं देखिए अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई भी है, सबको मैं माँ जैसे ही पूजता हूँ, क्योंकि वो ही हमारा पालन पोषण कर सकती है। अब रात को मैंने समय देखा, रात्रि के 1 बज रहे थे। अचानक ऐसे लगा
जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसाया हो। अब उठो, आज की पूजा समाप्त हुई, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसको पूरा करना। मैंने कहा आदेश आदेश माता, और मैं जो हूँ मैंने उनको प्रणाम किया। उस ऐसी शक्ति जो कि मुझे दिख नहीं रहे थे लेकिन मेरे कान में बोल रहे थे कि पूजन समाप्त करो और जाओ यहाँ से। फिर क्या था, बहुत जोरों से कुत्तों के रोने की आवाज़ मुझे भयभीत करने लगे। सियार जोर जोर से चीखने लगे। मांसाहारी छोटे छोटे जीव जंतु आपस में मांस के लिए लड़ने लगे, और उसी बीच में जो चिताएं जल रही थी उसमें फट फट के कोई भी जो अंग गिरता उसको कुत्ते नोच नोच के खाते थे। किस तरह से विभत्स दृश्य था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, क्योंकि माँ के आदेश का पालन करना था, मुझको 31 दिन पूरे करने थे। तो मैं जो हूँ इस तरह से पहले दिन की पूजा की। उसके बाद जो है मैं अब पूरे बताऊंगा, 31 दिन का हालचाल तो बहुत देर हो जाएगी। आज 31वां दिन है, आज मेरे पूजन का समापन है, और जो है मैं बिल्कुल आज जो है एक ताजे गुलाब की माला लेके आया। अचानक जैसे लगा कि जिस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ उसके ऊपर से कोई उतर रहा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। एक बहुत ही सुंदर महिला जो सफ़ेद वस्त्र में थी, मधुर मधुर मुस्कान थी, गोरा बदन था, और मतलब देखने से ही आपकी वासना हिलोरे मरने लगे, लेकिन मैं सब चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। वो मेरे सामने आ गई, हाथ उठाया। मैंने उनसे कहा हे माँ देखो, मैं सिर्फ एक अपने रिसर्च के लिए प्रयोग के लिए आपको कष्ट दे रहा हूँ, ये मेरी माला को आप स्वीकार कीजिए और जो है मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब जब मैं बुलाऊँ या किसी का कार्य आपको सौंपूँ तो आप उसको पूरा कर देंगे। माँ ने मधुर मुस्कान डाली, जैसे ही मैंने माला उनको पकड़ा उनके जोर से बोला हंसी की आवाज़ आई और वो विलुप्त हो गई और मैं ठका सा बैठा रह गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाबा अनिल, लखनऊ से।